पुलिस मैनुअल में किसी भी स्टेट के प्रावधान है क्या कि बगैर एफआईआर रजिस्टर करे हुए भेज देंगे आप किसी भी पुलिस अधिकारी को साथ में, इसका प्रावधान ठीक है है क्या? सर, फिर उन्होंने कितना कोशिश करेंगे बचाने की आप एक अपराधी को? नहीं सर बचा एंड नहीं। व्हाट आर आप बीएसपी हैं, जी सर, क्या कंसिडरेशंस हैं आप लोगों के अपराधियों को बचाने के लिए? सर बचा नहीं रहे सर, अभी तक की विवेचना में सर विशाल जायसवाल के लिए अभी कुछ भी हमें लिंक नहीं मिला है सर, इसलिए नहीं मिला है। लिंक तो आप लेना नहीं चाह रहे हैं, आपके कंसिडरेशंस लिखा है क्या ऑर्डर शीट में? आपने पुलिस वालों के कीटगंज के स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिए, क्या कहा उन्होंने, किस हैसियत से आए थे वो? आई विल रिफर दिस मैटर टू द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम यूपी दैट अंडर व्हाट कैपेसिटी दे हैड विजिटेड दिस स्टेट। क्यों नहीं स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए थे आपने, पहले तो ये बताइए। चलिए एक एक करके चलते हैं। रंजीत पांडे और सलीम के स्टेटमेंट क्यों नहीं रिकॉर्ड किए थे? सर जब मुझे डायरी मिली थी सर 5 तारीख को, तो मैंने आपकी बात नहीं कर रहा, पुलिस जी सर, की बात कर रहा हूं। जी सर, क्यों नहीं किए थे स्टेटमेंट रिकॉर्ड? सर पूर्व जो विवेचक थे उसने नहीं किए थे सर, वो तो अब सस्पेंड होगा। फिर आपने कब किए इनके स्टेटमेंट मैंने रिकॉर्ड? 5/8/22 को, 5/8/22 पांच को आठ बाईस को रंजीत पांडे के सर, और 27/8/22 दिखाइए को क्या स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए आपने, पढ़े उनके स्टेटमेंट्स क्या कह रहे हैं वो, पढ़िए। आप पढ़ सकती हैं तो पढ़िए, टाइप टू कॉपी है इसमें। चलिए सर रंजीत पांडे के कथन। जी, ये तो आपके ऊपर एलिगेशन है, पुलिस के ऊपर की उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई मैयर में। फिर आपने मैयर थाने के स्टेटमेंट लिए कि क्यों नहीं लिखी गई थी इसकी रिपोर्ट रंजीत पांडे की? हैव यू टेकन और यू डोंट नो द बेसिक्स ऑफ कंप्लीटिंग द इन्वेस्टिगेशन? देयर इज अ डायरेक्ट एलिगेशन मेड बाय रंजीत पांडे दैट ऑन 12/8 व्हेन ही गेन्ड कॉन्शियसनेस। आप हिंदी समझते हैं इंग्लिश समझते हैं, किस भाषा में बात करें आपसे? हिंदी सर दोनों समझ जाते पर हिंदी में सर। ज्यादा अच्छी लगती है आपको। जी सर, जब वो स्टेटमेंट दे रहा है कि वो 12/8 को होश आने पर गया था और उसने मैयर थाने में रिपोर्ट कराई, पहले पहले गया वो मैयर थाना की चौकी जाकर, चौकी में गया वो बताता है, फिर थाने गया घंटाघर के पास, वहां रिपोर्ट नहीं लिखी गई। आपने इस बात की तस्दीक करी कि वो आया था, उसकी रिपोर्ट लिखी नहीं गई, क्यों नहीं लिखी गई? ये सब हमें सिखाना पड़ेगा आपको। सर चौकी वालों ने फिर उसको थाने भेज दिया था सर चलिए, मैयर, चौकी वाले का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया आपने, कहां है स्टेटमेंट, पढ़िए। सर चौकी वाले का नहीं फिर है। कैसे मालूम पड़ गया आपको कि चौकी वाले ने थाने भेज दिया था? थाने वाले का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया आपने कि वो आया था, तो फिर उसकी क्यों नहीं रिपोर्ट दर्ज की गई? सर तत्कालीन जो थाना प्रभारी थे सर, वो वर्तमान में अभी नहीं है सर, वर्तमान में नहीं है, सेवा में नहीं है कि उस जगह पर नहीं है? तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं सर। उन सेवानिवृत्त व्यक्ति का स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता? आपके जो तो सर्विस बुक रहती है उसमें उसका परमानेंट एड्रेस रहता है, पीपीओ जारी होता है सेवानिवृत्त व्यक्ति को। सब चीजें हम ही सिखाएंगे आपको। फिर आप लोगों को बहुत बुरा लगता है, आपने स्टेटमेंट क्यों नहीं रिकॉर्ड किया? और क्या आपके एसपी का सुपरविजन है? लिखते जाइए एक एक पॉइंट करके। कौन है आपका, शुभ नाम बताइए। शालिनी परस्ते सर, मिस मिसेज नहीं मिस शालिनी मिस परस्ते एम सर। एस शालिनी परस्ते, डीएसपी कहाँ की है? कटनी की। जी सर कटनी। कटनी हैज नो एक्सप्लेनेशन दैट आफ्टर रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स ऑफ रंजीत पांडे, किस तारीख को किए गए ये स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड, की 5/8 को किए थे सर, 5/8/22 डेट को। कहाँ है? ऑन 5/8/2022 सर वेयर इन ही हैड मेड एलिगेशंस अगेंस्ट द पुलिस ऑफिशियल्स ऑफ द कंसर्न्ड मैहर थाना चौकी एंड मैहर पुलिस स्टेशन क्लोज टू घंटाघर दैट आफ्टर गेनिंग कॉन्शियसनेस ऑन 12/8/2021 ही हैड अप्रोच दीज टू अथॉरिटीज टू लॉज रिपोर्ट
but no report was lodged at their instance, submits that in charge of the Mayer police station, Ghantaghar, has superannuated. Therefore, his statements could not be recorded. Full stop. However, she is not in a position to dispute that he was a government servant. He is a pensioner of the state government. Details of such retired employees are available in the PPO, that is pension pay order. Therefore, if there would have been any understanding of conducting investigation, then she would have definitely contacted in charge of the Mayer police chowki and in charge of the Mayer police station close to Ghantaghar to take their statements to verify the correctness or otherwise of the statements given by Ranjit Pandey, son of Sham Chandra Pandey. Full stop. ये जो स्टोरी इसने फिर झुठला दी जसवाल जी की, आपकी इनको आप बचाने का प्रयास कर रही हैं। ये तो कहता है कि मैंने 4,000 रुपए में गाड़ी बुक की थी, उन्होंने तो मानवता के नाते शव ढोने के लिए दे दी थी। शव ढोने के लिए नहीं दी थी सर। पढ़िए जसवाल का स्टेटमेंट, पढ़िए। आप या तो पढ़ नहीं रही हैं, पढ़िए जसवाल का स्टेटमेंट पढ़िए। तो उसने पत्र लिखा है कीटगंज पुलिस को, जिसमें 8 की डेट पड़ी है और पावती जो है एसपी साहब की अक्टूबर की है। जी जी सर, तो पढ़िए। निवेदन है कि प्रार्थी विशाल जायसवाल पुत्र रमेश जायसवाल, रमेश चंद्र जायसवाल निवासी 743 बी खलासी लाइन कीड़गंज थाना कीड़गंज जनपद प्रयागराज का निवासी है। दिनांक 10/8/21 को समय करीब 11 बजे दिन दो व्यक्ति काफी परेशान हालत में प्रार्थी के पास रामबाग रेलवे स्टेशन के सामने थाना कीड़गंज प्रयागराज आए और कहने लगे कि उनकी माता का अंतकाल हो गया है और उनके पास पैसे भी नहीं है, कोई गाड़ी मिल नहीं रही है। पूछने पर उनमें से एक ने अपना मोबाइल सलीम पुत्र मोहम्मद फारूक निवासी छकोड़ी लाल पाठक वार्ड नंबर 30 मुड़वारा कटनी खजुराहो मध्य प्रदेश बताया। प्रार्थी ने उनकी परेशानी को देखते हुए मानवतावश अपनी डिजायर कार, जिसका वाहन नंबर UP70DX2244 है, से अपने ड्राइवर रंजीत पांडे को उन्हें मैहर तक छोड़ने के लिए कहा। प्रार्थी ने मोबाइल मोहम्मद सलीम से उनका मोबाइल नंबर 7869474965 9319661050886028860268 नोट कर लिया तथा मोहम्मद सलीम का भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र की फोटो कॉपी अपने पास रख लिया। प्रार्थी का ड्राइवर